कोरोना संकट से सभी वर्ग प्रभावित है, अमीर गरीब सभी इस संकट के दौर से निकल रहे हैं। संकट भरे इस दौर में परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। समर्थवान व्यक्ति इस पर संकट में ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गरीब व दिहाड़ीदार व्यक्ति इस कोरोना काल में बेहद प्रभावित नजर आ रहे हैं। इसीलिए सरकार ने इनकी दुर्दशा को देखते हुए इन्हें राहत पहुंचाने का प्रयास किया है, जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा उन्हें निःशुल्क राशन भी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस सहायता से गरीब व अंत्योदय परिवार को कुछ राहत जरूर मिली है। सोलन जिला के खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी नरेंद्र धीमान ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवारों को कोरोना के समय में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए प्रदेश सरकार ने विशेष योजना चलाई है, जिसमें जहां एक ओर सभी को सस्ता राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है तो उचित मूल्य की दुकानों में उन्हें दी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को 3 किलो चावल और 2 किलो गंदम आटा प्रति सदस्य उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी शहरवासियों से अपील की कि जो पात्र व्यक्ति हैं वे अपना राशन के साथ निशुल्क चावल व गंदम अवश्य लें। कोविड कर्फ्यू लागू होने के उपरांत जो है, जो हमारी उचित मूल्य की दुकानें हैं उनकी टाइमिंग भी बाकी दुकानों की तरह 8 से 11 3 घंटे कर दी गई है, और जो रूटीन में राशन सरकार द्वारा दिया जा रहा है स्टेट सब्सिडी स्कीम सहित, वो उनको निरंतर उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इसके साथ जो NFSA फैमिलीज हैं, जिनमें BPL अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड फैमिलीज हैं, उनके पर मेंबर के हिसाब से 2 किलो चावल और 3 किलो गंदम जो है वो फ्री उपलब्ध करवाई जा रही है मई और जून 2 महीने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से ये सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी लोग जो इसके पात्र हैं NFSA फैमिलीज़ हैं, वो अपना फ्री वाला राशन भी, जो दूसरा राशन मिल रहा है उसके अतिरिक्त अपनी उचित मूल्य की दुकानों से हैं प्राप्त करें।